नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। इस समय मैं मौजूद हूं रोहतक में और महिला वैश्य महिला महाविद्यालय के समक्ष। ये झज्जर रोड है और दी सड़कनामा .com की टीम आज रोहतक में है और हम जानेंगे यहां झज्जर रोड पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र है ये, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सांसद है और 12 मई को यहाँ चुनाव होने वाला हरियाणा में। ये कह सकते हैं कि इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र है जो हरियाणा की सबसे हॉट सीट है वो मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से पिछले 2 बार से सांसद हैं और इस बार यहाँ रोहतक के लोगों का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी टेस्ट क्या है, वो हम यहाँ आज जानने आए हैं। विपिन कुमार सर, क्या करते हैं सर आप? मैं सर्विस करता हूँ सर जी। हम जी, कौन से सेक्टर में सर्विस करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मिनी सेक्रेटरी में। रोहतक लोकसभा चुनाव होने हैं तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ? चुनाव को लेकर जागरूक हैं लोग, रुझान अच्छा है उनका। हाँ जी, तो क्या चाहता है यहाँ का मतदाता, क्या मुद्दे हैं यहाँ? मतदाता विकास ही चाहता है सर, और क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, नौकरी चाहता है, ये चाहता है। ये सब मिला यहाँ के लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला सर। अशोक कुमार जी, सर चुनाव को लेकर क्या माहौल है रोहतक लोकसभा की बात करें तो? देखो ये हरेक का तो पता नहीं, हम तो अपनी तरफ से बीजेपी को देंगे वोट। तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे? काम अच्छा कर रहे हैं अपने, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं जी आप? संगी जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है जी? चुनाव को लेकर बढ़िया माहौल है। तो क्या चाहता है यहाँ का मतदाता? यहाँ का तो जी रोहतक से तो दीपेंद्र को चाहता है। दीपेंद्र ने काम किया है यहाँ आपके इलाके में? हाँ, पिछले 9 साल जब उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे जब काम किया है रोहतक झज्जर में। हाँ। सर क्या नाम आपका? रमेश कुमार जी। क्या करते हैं सर आप? प्राइवेट जॉब है जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर? चुनाव का दीपेंद्र है। दीपेंद्र का? हाँ जी। तो सरकार ने कुछ काम किया आपके इस इलाके में? ना, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। विजय कुमार, तो विजय जी क्या मुद्दे हैं रोहतक के? सब बढ़िया है। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ही आएगी, बहुत बढ़िया, अच्छे वोटों से आएगी और आना भी चाहिए। मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो 70 साल का हमारा जो गंध था उसको साफ करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और धीरे धीरे साफ करेंगे। चुनाव का दीपेंद्र आएगा भाई, दीपेंद्र बहुत बढ़िया वोटों से। कुछ काम किए हैं दीपेंद्र ने यहाँ? दीपेंद्र ने सारे रोड है, दीपेंद्र और हुड्डा साहब के मौज है जी। हाँ जी। एमपी कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा होना चाहिए जी, मोदी जैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया है जी। सागर चंद जैन जी। तो जैन साहब, चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके इस रोहतक शहर में? बढ़िया माहौल है जी। कुछ काम हुआ है आपके इस इलाके में? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो क्या चाहता है रोहतक का मतदाता? मतलब 60% तो मोदी को ही चाहता है। और दीपेंद्र को? दीपेंद्र तो ठीक है जी, पाना है, 40% में आ ही गया वो। सर आपन को ज्ञान नहीं है, छोड़ो। आप बताएंगे सर? हाँ जी, सतीश कुमार। तो क्या करते हैं सर आप? मैं दुकान बना रखी है सुनार की। आप क्या माहौल है चुनाव को लेकर? यहाँ से तो कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा एमपी होंगे यहाँ के। भाजपा सरकार की हम बात करें तो यहाँ कुछ काम हुआ है आपके इस शहर में? देखो काम तो सारी सरकारें करती हैं, कोई कैसा करती है कोई कैसा करती है, सब अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया है वो यहाँ कोई नहीं कर सकता। चुनाव को लेके मोदी का प्रोग्राम बनता है जी हमारे को तो। हाँ जी। विनय नाम है। विजय जी क्या करते हैं आप? मैं तो वैसे आया हूँ जी, पेपर दिलवाना आया था, बताओ आप। अच्छा, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है सर? चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ठीक माहौल है जी। तो क्या चाहता है मतदाता? विकास चाहता है जी। जी कैसा होना चाहिए सांसद? सांसद ये तो अपना है जी, किसी को भी वोट दे लो, इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे हम, जिसका मन करे उसको वोट दो आप। रोहतक की जनता का रुख किस ओर है? कुछ नहीं पता जी, अभी बहुत दिन पड़े हैं, कई बार रुख बदलेगा।
अच्छा ही होना चाहिए संसद जो भी है जी। जो भी आए बढ़िया ही हो, अच्छे काम हो जी। जो क्या क्या माहौल है चुनाव का, पब्लिक की सुनाई हो जी। माहौल क्या है चुनाव को लेकर? अभी तो ऐसा ही चल रहा है जी, माहौल तो माहौल का अभी कोई रुख नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, आपका क्या नाम है सर? गुलशन है जी। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अभी तो ठीक है जी, ऐसे कोई माहौल तो बना नहीं अभी। जब तक कोई बीजेपी की तरफ से कोई उठेगा या उसके पता चलेगा कौन फाइनल होता है, तभी तो कुछ पता चलेगा क्या माहौल बनेगा। अभी कैसे कह दे, अभी तो एक तरफ ही है। जब दोबारा उनका कैंडिडेट आएगा तभी तो बताएंगे। तो आपके इस इलाके में काम हुआ है, विकास कार्य हुए? भाई देखो ऐसे है, अब तक तो ठीक चल रहा है। बीजेपी ने भी किया है, कांग्रेस के सांसद ने भी किया है, बाकी अब देखो आगे सरकार आएगी क्या करती है। नीटू नाम है जी। नीटू, नीटू तैया क्या करते हैं जी? नीटू जी भट्टा है जी हमारा, नीटू का। अच्छा, ये हाँ जी। तो व्यापारी हैं आप? हाँ जी। चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके इस रोहतक शहर में? चावल चुनाव के तो हमारा दीपेंद्र का बहुत अच्छा माहौल है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो काम हुआ है आपके इस इलाके में? काम कोई खास नहीं हुआ जी। इस सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया? नहीं, कोई खास काम नहीं कराया जी। हाँ जी, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है इस सरकार से जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? मांगेराम जी। तो क्या करते हैं आप? मैं अपना जमींदार कर रहे हैं जी। तो क्या मोल है चुनाव को लेकर? चुनाव का नो जी, ये मोदी देश के लिए तो मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं हमारी तरफ से। रहा यहाँ स्टेट वाइज, स्टेट वाइज मुश्किल बात है यहाँ तो, और फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन देश के लिए तो मोदी मोदी ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई हम उसके फैंस हैं, फैन नहीं, लेकिन देश के हित में जितने बड़े फैसले लिए या जो इस शक्ति से लिए, हिंदुस्तान में दूसरा लीडर नहीं है। राड़े बतेरे कर रहे, हम न्यू दे देंगे, इतने रुपये दे देंगे, न्यू दे देंगे। अरे रुपये न्यू को ना कमा के खाओ, रुपये तो आप मिल लेंगे कमाओगे जब। बाकी अच्छा है, और लेन देन वाली बात तो हम अच्छी नहीं मानते। बाकी जी इतना कैसे कहा कि देश के लिए मोदी है। रामचारी तो क्या मोल है? आपने कई सरकारें देखी हैं, इस सरकार में राज में कितना फर्क मानते हैं आप? बेटा ये बढ़िया सरकार है जी, बसिया है सुविधा सारी से, बसिया से। किशन है जी। तो क्या करते हैं आप? ये बांसों का काम करते हैं, बांस की चटाई वगैरह। चटाई वगैरह बना। अच्छा अच्छा। क्या मोल है चुनाव को लेकर? चुनाव का ठीक है माहौल, ठीक है माहौल। किस पार्टी की ओर ज्यादा है बढ़त? किस पार्टी को मिलेगी रोहतक में बढ़त? तो बीजेपी भाई है जी। मन ज्ञान गणा हमारी वोट भाई। हाँ बिल्कुल सही, अब की बार बीजेपी। मेरा नाम बापी, अब की बार बीजेपी आएगा। तो क्यों ऐसा क्यों है? माहौल ऐसा है, जो मोदी सरकार के माहौल ऐसा है तो बीजेपी आना चाहिए। जी आपका क्या नाम है? रमेश भाई जी। तो क्या चुनावी माहौल है जी रोहतक का? रोहतक वहाँ अंदर भाई भूपी भी गेरांगे जी। अशोक जी क्या माहौल है चुनावी? वो देखो आगे की के बेरा भाई। हाँ, कोई कांग्रेस की को, कोई बीजेपी की। तो आप क्या मानते हैं टक्कर किस किस के बीच में रहेगी? बीच में दोनों आ गई है, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। जीतेगा कौन है? हैं ये नूनी बेरा भाई। भाई हम तो भूपी की देंगे, और किसी की नहीं देते वोट। भूपी की देवांगे जी, भूपी की, भूपी की। चौताला जी, चौताला जी, ओम पलता चौताला जी। गर्मा गर्मी चली रही है अभी तो। हाँ जी। क्या चाहता है मतदाता रोहतक? हर एक की अपनी डिमांड है सर, बिजनेसमैन को बिजनेस से बेनिफिट चाहिए, नौकरी वाले को नौकरी से चाहिए। तो बाकी देखो क्या निकल के आएगा। तो मतदाता का रुख किस पार्टी की ओर है भैया? अभी मिक्स है। हाँ जी, क्या क्या लगता है टक्कर किस पार्टी की, किस किस के बीच में रहेगी? मेन तो कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी। हाँ जी, अनिल। अनिल जी क्या माहौल है चुनाव को लेकर हम बात करें? चुनाव का माहौल ठीक है, बढ़िया है, शांति से हो जाएंगे। तो क्या चाहता है रोहतक का मतदाता? रोहतक का मतदाता देखो जी क्या बताएं, बाकी ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। क्या मुद्दे हैं और ये कहेंगे कि सरकार ने कितना काम किया है, और पिछली सरकारों की बात करें, इस सरकार की बात करें, तो कितना का अंतर है? बहुत अंतर है जी, भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है इसमें, तो कोई दो राय नहीं। साफ सफाई भी अच्छी हुई है, स्वच्छता बढ़ी है जी। काम तो बहुत अच्छे हुए हैं इन 5 सालों में।
किसी को कोई परेशानी हुई नहीं। कांग्रेस ने क्या किया जी? कुछ नहीं किया। 10 साल में गरीबों को गरीब ही रखा है। गरीबों के बच्चों में के हाथों में कटोरे दे दिए, स्कूलों में भीख मांगो और खाओ, और ये कह दिया भी छुट्टी कर दी भी इनको आओ स्कूल में या ना आओ, इनको इनका नाम नहीं काटना, उनका भविष्य खराब कर दिया। तो क्या मोल है चुनाव को लेकर? चुनाव को मोदी सरकार जी आएंगी, मौजूदा जो एमपी है उसके कार्यकाल को। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ ना कुछ खासियत भी होती हैं। हाँ जी, कई उनमें अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हर आदमी के लिए वो अच्छाइयां अच्छी नहीं होती, हर आदमी के लिए बुराइयां बुरी नहीं होती, उसे भी अच्छा मिलता है। तो ये थे मेरे साथ इस रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर रोड के लोग, और जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।